भजन को प्रसन्न करने के लिए, राजानी को प्रसन्न करने के लिए नंदन
Thank you.
वाले मधुर आपस बंसी बजाने वाले राधिका के प्रति आप हमारे प्रति कृपा करें। क्या कृपा करें? स्वप्रिया चरण की अपनी क्रिया जो राधिका जी है उसके चरणों की आराधना करते कृष्ण को प्रसन्न करते
पुण्य। कृष्ण स्वयं कुछ नहीं कर कोई है, गिरिराज भारत कौन करते हैं? शक्ति ज्यादा देखते हैं कैसे दृष्टि शक्ति, किसी के ऊपर में कृपा करते हैं कृपा शक्ति, ये शक्ति का मूल आधार है। इसीलिए कहते हैं आनंदम से राजनी सदन से संधिनी से संधि जाय करी माने जनादान के लिए सब इसे। यदि राधा जी न रहे शक्ति न रहे तो कृष्ण जल्दी से हो जाए, इसलिए कहते हैं कृष्ण के हालात या जो कुछ होता है सृष्टि प्रवेश संहार इत्यादि किसी पत्रिका करते हैं बातचल भाव साथ में राधा जी की कृपा असुरों को संहार करने में किसी पर दया करने में सब में राधा जी कृष्ण इच्छा करेंगे बात और उनकी सारी इच्छाओं को सारी मनोकामनाओं को राधिका जी को शेष शक्ति द्वारे सुख आस्था दिया और कृष्ण उन्हीं के माध्यम से सारे सत्रों का साथ सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्था कृष्ण सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है आनंदम ब्रह्म और सुख आस्वादन करते हैं किंतु मूल कारण उसका आनंद जो आस्वादन करते हैं मूल कारण क्या है उनका स्वरूप क्या है राधेय सार सार अंश सार प्रेम नाम राधिनी का विकास राधिनी शक्ति है उसका सार उस सार का नाम प्रेम है और आनंद की मय रूप और रसे आख्या प्रेम परमता प्रेम का भी महासार महाभाव है से ही महाभाव राधा का ज्ञानी से ही महाभाव रूपा प्रेम का सार महाभाव महाभाव का सार राधा रानी छपकारी है प्रेम स्वरूप दे राधा जी के का स्वरूप उनका देह कहता है प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप दे प्रेम की भावी प्रेम के द्वारा ही भावित है जैसे दुख है कर और इसको कुछ दे दिया जमाव बन गया कहीं मूर्त रूप तो राधा जी का शरीर राधा जी का मन राधा जी का भाव उनके अंग प्रत्यंग जो कुछ है कृष्ण विभाव प्रेम विभाव उसी से बना हुआ है प्रेमी मूर्तिमान हो करते थे राधा जी बना वो प्रेम का किसी न किसी जो प्रेम है वो भी भावित हो करके कृष्ण जगत के दीदी कृष्ण की प्रेषा असल में दूसरा कोई है ही नहीं जितनी राधिका जी की शक्तियां हैं या तो राधा जी की कैद है उनके प्रकाश हैं या वैभव है या किसी न किसी रूप में इसलिए दूसरा नहीं है ये प्रेम विलास के लिए राजा जी निश्चित होकर के इसी कोटी कोटी गोपियों के रूप में और वही द्वारका के महिषियों के रूप में वही नारायणी के रूप में वही जितने हमारी शक्तियां हैं सब शक्तियों के रूप में राजा जी के पास इसे केवल जैसे कृष्ण ही एक रूप में ही सब ने वैभव रूप में अवतार इत्यादि सब कुछ ऐसे रहा है आनंद के मैरत प्रतिभा निजूपतया कलाभि गोलोक निवसत पिलात्मभूत गोविंद मासी तुर्धम तमहम।
तेरी महाभाव है कि काम विचार कृष्ण वंशा पूर्ण करे यही कार्यता वही जो महाभाव होता है कौन महाभाव है प्रेम का सार महाभाव और महाभाव से उनका लगा का स्वयं है वही महाभाव महाभाव को समझने में बहुत कठिन है विषय का अंतिम सीमा शास्त्र भी और विषय भी अंतिम वृत्ति संबंध वृत्ति और वो भी राधिका के गम्य राधिका के गम्य जो भाव है कृष्ण उसका उज्जवल दिन मई इत्यादि ने बहुत सुंदर स्वरण कर क्या याद है क्या याद है जाओ राष्ट्र वृत्ति स्वसंवेद दशा माने क्या है और राजा की कई वेद्य है और किसी को विषय का भी है कृष्ण का भी वृत्य ये कृष्ण पंचा पूर्ण करें एक बात देखा तो कृष्ण की इच्छा को परिपूर्ण रूप से पूर्ण करना ही उनका कार्य है महाभाव चिंता राधा स्वरूप ललिता ने सभी कार्यूर जो हमने बताया चिंतामणि महाभाव चिंतामणि चिंतामणि से जो कुछ मांगो वो दे दी तो कृष्ण जो कुछ इच्छा करते हैं राधा जी के निकट जो कुछ भी इच्छा करते हैं वो सभी उन्हीं के लिए कृष्ण के लिए ये कार्य के रूप में ललिता के साथ इत्यादि कितना दिन संसार प्रधान भाव है वो किसके किसके लिए कृष्ण की एक एक भाव को परिपूर्ण कर तो राधा जी चिंता मणि के समान जो कुछ कृष्ण चिंता करते हैं और वो पागल चिंता मणि कृष्ण को नहीं करता है नहीं कर सकते बाप का रहे ये हाथ जोड़ करके न पा रहे हम मेरे वक्त राधा जी उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर ललिता सती राधापति कृष्ण स्ने अब राधिका जी का जो स्वरूप है उसको रघुनाथ दास गोस्वामी शायद वर्णन किया है राधापति कृष्ण स्ने Also, God means Krishna, Radhika, Radha.
through his worship by Sri Krishna. My name is Radha. As described by Sri Radha Goswami, Apai Purati Yatra, Apai Deja Prasada, 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 himself, he performs worship of Radhakund. He takes bath 3 times a day there, according to all the regulations of Shastra, and he does Master Japa of Radhika's name, just to attain her favor. So Krishna, he cannot do anything by himself. Who is the Kiraj Govardhan? Radhika is the Kiraj Govardhan by the Vishnu Shakti, by the power of the glands. So, the Shaktiman, he cannot do anything without the help of Shakti. Krishna is Sukh Swarup. He is the embodiment of all happiness. And he tastes all happiness. He looks forward to his happiness and his tasting of his happiness. Krishna is the So it's described in Sri Chaitanya Charitamrita. Having Sara praying friends on a bhav. The essence of Navini Shakti is praying. And the essence of praying is Mahabhav. Mahabhav Swarup Sri Radha Thakurani. And the embodiment of Mahabhava is Srimati Radhika. So, if something is added to milk, it will become yogurt. But yogurt is nothing but milk everywhere. So in the same way, Radhika, she is nothing but Krishna praying. Every limb, every part of her body is simply composed of praying for Sri Krishna. All the yogis, their manifestations of Radhika, Rukha and Viva. All the queens in Dwarka, Rukhas Vigraha. And all the Lakshmi Vaikuntha, Vilas Vigraha. So it's taken in Bhagavad Sangeeta. Ananda Chinmaya Rasa Kibhavata Abhisthati Yadavita Bhuta Daya Parati. It's very difficult to understand Mahabhava. It has been explained very clearly and written by Sri Rupa Goswami Pai Kutvakshanamani. When Anurag reaches its ultimate condition, in that state, Svaksamrita Dasaka. Svaksamrita Dasaka cannot be understood by anyone. It's only understood by Radhika. Even in that state, Radhika loses sense of who is she and who is Krishna. Only the taste of relishment of Krishna's beauty remains. So, in Chaitanya Charitamrita it explains, Mahabhava Chintamani Radha Swarup, Radhika Chintamani Radha Swarup. Radhika is Mahabhava Chintamani. Chintamani means desire stone. Any chinta, any desire you have, then that Chintamani will give. So, he arrived with Radhika Chintamani because whatever chinta, whatever desire Krishna has, Radhika fulfills that. Radhika is Sakshikarakaratuhuru. And all the Sakshis headed by the leader, they are the Murtis, the embodiments of her individual roots. So, because Krishna Radhika, she fulfills all the desires of Sri Krishna, Krishna feels so indebted to her, and he said, Napayam Theravati Samigam, I cannot be there yet. अभिमन्य तत्वाया महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप राधिका की स्वरूप क्या है महाभाव चिंतामणि ये तुम्हारू उनका पाय शरीर और राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधी उस बर्तन माने उपटा स्नान करने के पहले दस्तों को पीस कर अभी राधिका जी के लिए नहीं
मतलब जल जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कमल की पत्तियों में पराग जो है पराग का उत्सन बनता है और तो लंका विशाखा इत्यादि रुक्मणी देवी इत्यादि उसको उत्सन लगाती है। तो उत्सन किस चीज का बना? राधा प्रति कृष्ण स्नेह, राधा जी के प्रति कृष्ण का जो उसने कृष्ण का स्नेह राधा जी के प्रति कितना स्नेह है वो उत्सन लगा रहे हैं। ताते सुकम जी दे ताते वो कृष्ण का जो कृष्ण के प्रति स्नेह उसमें सुगंध है, सुगंध में सुपर्शन है। तो राधा जी के शरीर में अपना तो गंदा ही है और वो घिस करके ऐसा तो हो जाने से कृष्ण और मुक्त हो जाते हैं उसको सुन करके। जैसा कथा विवसन आने के लोग दोस्त धनिया योगानंद दुर्गम जैसे मधुर दुर्गम होती सत्या नमस्त गुस्मान उसे अंशव का हवा कविता नहीं कविता तो बहुत अंशव से स्पर्श हुआ और उसमें जो सुगंधी आई कृष्ण ने अपने को धन्यवाद मान लिया। तो कह रहे हैं ताकि सुगंधी देव उज्ज्वल वरण और राधिका जी का मंत्र कैसे कृत्रिम पूरक पूरक कितने पूरक मैंने क्या पूरक मैंने सोना आप सोने को ठीक से काट दो काटने से बलिन रही जो भीतर से अत्यंत सुंदर किताब निकलता है राधिका जी का अथवा राधिका की हल्दी सबकी हल्दी को तोड़ दो तो वो कैसे होगी वो सोने से भी आगे ऐसे उज्जवल नारी से परिपूर्ण कामनामृत धारा स्नान प्रथम तीन बार स्नान करती है सवेरे दो बार दो शाम तो कामनामृत कर्ण माने क्या कौन सा करुणा के भाव को कारुण्य कहते हैं और वो अमृत के समान धारा स्नान करते हैं। राधा जी कृष्ण प्रणय विकास राधा जी कृष्ण प्रणय विकास अर्थात कृष्ण प्रेम मूर्त विग्रह तहार मानसिक भाव कायिक अंग प्रत्यंग देश आदि समस्त ये श्री कृष्ण प्रेम एक कृष्ण कारुण्य अमृत की धारा से अपने से अपने कोई नहीं करे वो तो किसी चीज के लिए कृष्ण के प्रति राधिका जी का राधिका जी के प्रति कृष्ण का जो कारण भाव है उसके द्वारा पहला स्नान किया और किंतु स्वभाव ही राधिका जी की तारुण्यामृत आरुण्यामृत तारुण्यामृत क्या किशोरी का भाव राधा जी कैसी किशोरी किशोर उम्रियों किशोर में कृष्ण आकर्षित होते हैं अभी तो तारुण्य तारुण्य में भी तीन है प्रथम ऋषि स्त्री प्रथम तो वयसंधि और याद उठा
व्यक्त जवन पूर्ण जवन सही इस तरह से कारण में आगे धारा स्नान मध्यम मध्यम है और लावण्य में अगर उत्तर लावण्य में जैसे धीरे में मोती में भीतर से चमक आती है आरा निकलती है ऐसे ही संसार आरा में निकलती है जो कृष्ण को आकर्षित कर दे नीचा लज्जा कहीं वहां वह शांति हुई तो लज्जा आ जाती है पैरों पहले कोई लज्जा नहीं है किंतु जहां आया का और कहां पाए पहले लज्जा नीचे लज्जा श्याम पट डोरी श्याम पट डोरी परिधान वो पहन लिया लज्जा से पट काटी कभी कहीं अरुण भी है और अमल कमल कांति नीत वस्त्रांत गए थे दशदर्शन वस्त्रां अंजन श्री मनोज्ञा संजित प्रमुखता दान दीप्ता किशोरी भजति प्रकाशम राधिका काष्ठ अमल कमल पट्टोद्धित काश्मीर गौरी लवली संपरीता किशोरी हरिपुर परिरब्धा लखनऊ मंच पालित अरुण दुकुला अरुण महाप्रश्याम पत्र यहाँ पर अर्ज करता है समय समय पर कृष्ण अनुराग वत्सपत्रकारी और यहाँ पर कृष्ण का अनुराग ये अरुण वर्णन है वत्सल का वर्णन अरुण वर्ण प्रणय मान कर्जुन का प्रणय और मान कृष्ण के प्रति प्रणय और मान द्वितीय अरुण वर्ण मान कंजुरी का माने उसमें मान में छिप जाता है मुख टेढ़ा होगा और न जाने क्या क्या कैसे कैसे सुंदर भाव आएंगे वो छिपा देने वाला होता है भाव को तो वही क्या है कृष्ण मान प्रणय मान पंचुरी का है वक्त अच्छा रण सौंदर्य कुमकुम सभी प्रणय चंदन सौंदर्य उनका है वो कुमकुम है और सभी प्रणय ललिता विशाखा इत्यादि मंजरियों का करता उनके प्रति राधा जी के प्रति जो प्रणय है वो चंदन है चंदन लगाने से जैसे सौंदर्य भी होता है सुगंध भी होती है और फिर पुस्तक भी होती है कारण की उनका मधुर मुस्कुराना कृष्ण की तरफ से देखकर कपूर है तीन अंगे तीनों अंगों में ये तीनों पर तीन अंग एक चीज अंग भी है एक चीज एक चीज क्या क्या सौंदर्य कुमकुम चंदन और कर्पूर ये तीन अंग ये तीन पर है और आज ठाकरे और अरे खाने कृष्ण द्वारा कृष्ण प्रति जो उज्जवल रस उसका है उन्नत उज्जवल पार्थीय भाव मृग मृगमत धारण कर रखा है मृगमत का गुण क्या है मत करना सौंदर्य बढ़ाना मत करना तो ये
कृष्ण का यह जो उन्नत उज्जवल पाठ की जो भाव है कृष्ण के प्रति राधा जी का मृगवत भाव मृगवत का वर्णन शूर है। श्री कृष्ण मदे मृग मदे विभु विश्री कले उसे तरह तरह से उसको संबंध को मंडित कर दिया है लगा दो प्रसन्नमान में मान भी बहुत तरह का एक व्यक्ता एक प्रसन्न प्रसन्नमान और भी हमारे प्रति अरे चंद्र हमारे प्रति आपने मान किया है मैं मानता आपके प्रति मान मैं तो आपकी सब प्रकार से मान गई और मान पूरा है तो ये मान थम्बी में जुड़ा को जो कृष्ण के मन को मुक्त कर देता है धीरा भी धीरा 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 अधीरा आत्म गुण अंगे पट्ट भाव धीरा भी भाव यही उनकी है उनका भाव है कोई धीरा कोई अधीरा और राजा जी धीरा धीरा अंगे पट्ट भाव और अंगों का जो पट है पटे थे वो सब है राज तांबूल लगाए अमर उज्जवल राग क्या है तांबूल मान तांबूल का इसको निशुल्क में भी ले लो किस प्रकार चलिए तांबूल राग क्या जी ग्रहण करती है अमल कपूल राग का बिंदु फिल धम मिल धारी बिगड़ी तबल धोरणी के इच्छा प्रदर्शन मधुर प्रमुख बिंदु दूर तांबूल राग सुरधन अपल अमल कपूर राग तांबूल रागे अदर उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्रजू कर्ज प्रेम कौशल उनका प्रेम कौशल्य क्या है अथवा नेत्रों का जो कज्जल है वही मानो प्रेम कौशल प्रेम की कुटीलता सुदीप सात्विक भाव सात्विक आदि भाव हर्ष आदि संचारी यही सब भाव भूषण सब अंग भाव भाव इत्यादि भाव को धारण सकते हैं संचारी भाव को धारण सकते हैं ग्राम काम परमान के अश्रुक बलिदान विभाव बीस प्रकार के इन भूषणों से वो विभूषित हैं गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरी कर सौभाग्य का चालू लला के उज्जवल सौभाग्य सौभाग्य राजा सौभाग्य माने क्या पति का स्त्री के प्रति जो सुहाग होता है कृष्ण का राधा के प्रति जो सुहाग है प्रेम है यही उनके लिए सुहाग है तो सौभाग्य तिलक वही है तिलक चारू लला के उज्जवल प्रेम वैचित्य रत्न प्रेम वैचित्य यही रत्न है और हृदय तरल और इसे हृदय तरल है मध्य वयस सखी स्कंदे कारण्या मतलब क्या है मानो सखी के स्कंदे पर ललिता या विशाखा या मंजिलियों के स्कंदे पर हाथ रखकर कृष्ण की तरफ में उन भावों से दर्शन करते हैं ये मतलब है कृष्ण लीला अनुभूति सखी आस पास निजात गौर गर्व पर जमकर ताते बची आते प्रकाशित कृष्ण संग कृष्ण नाम गुण जड़ अवतन तथा कृष्ण का नाम उनका जड़ गुण ये राधा जी के लिए अवतन है काम का आभूषण है अतः सत्र उसको सुनती हूँ कृष्ण नाम
कृष्ण नाम कृष्ण गुण प्रवाह सत्यम है और कृष्ण का घोष प्रवाह है। यदि कृष्ण के प्रति तुम्हारा इतना माने कृष्ण यदि इतने बुरे हैं तो उनका प्रसन्न क्यों नहीं छोड़ते, तो कृष्ण को तो छोड़ सकती है इन पुत्र का कथा नहीं खोल सकती। कृष्ण ने क्या की तो वो क्या करती है, वो कुछ नहीं कर सकती था। अरे वो क्या है, सब आम बदला है तो पांच पांच सात लाख के होता है। और अभी